अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम Q70A सैमसंग का जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको ब्रीफिंग देंगे। कंप्लीट डिटेल रिव्यू एंड तक ज़रूर देखिएगा, डिज़ाइन देख लें, बहुत स्लिम कमाल का मॉडल है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जिसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, इसमें HDMI पोर्ट की बात कर लें तो HDMI की 4 पोर्ट्स हैं, जिसमें HDMI 2.1 है और HDMI ARC जिसको बोलते हैं ऑडियो रिवर्स चैनल, वो भी मौजूद है। 2 USB पोर्ट्स हैं। 3 बॉर्डरलेस डिज़ाइन है, जो एज़ यूजुअल ओल्ड चल रहा है वही वाला डिज़ाइन है। इससे तो लुक लेकिन काफ़ी क्लासी लुक है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिम है। ये हमने वॉल फिक्स किया जी, वॉल फिक्स पे इस तरह की लुक आएगी। फिर अब जिसकी कुछ डिटेल फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये तो इसकी व्यू हो गया। तो जी सबसे पहले रिमोट चेंज किया जी, लाइट चार्जिंग रिमोट है जिसको आप सोलर चार्जिंग रिमोट भी कह सकते हैं। इसमें सेल नहीं डलेंगे, आपके रूम की रोशनी से ही चार्ज हो जाएगा। और नीचे इसके एक चार्जिंग जैक भी दिया हुआ है, इसको आप अपने नॉर्मली चार्जर से चार्ज भी कर सकते हैं। मोशन रेट जो है वो 200 है, जिसमें आपको लैग नहीं मिलेगा। बेहतरीन डिस्प्ले मिलने वाला है, अलेक्सा एंड एप्पल एयरप्ले 2 भी मौजूद है इसमें। ये नीचे भी मैंने पिक्चर के साथ दिखाई है, बिल्ट इन माइक्रोफोन दिया हुआ है टीवी में, आप विदाउट हैंड फ्री जो इसके रिमोट के विदाउट हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। क्यू सिम्फनी है वो Q70T में भी था, लाइक अब टीवी और उसका जो साउंड बार का साउंड एक ही दफ़ा में यूज़ कर सकते हैं। रियल गेम इनहेंसर है जो गेम इनहेंस करता है। अगर आप गेमिंग इन्जॉय करना चाहते हैं तो जो आपने HDMI पोर्ट यूज़ करनी है वो 4 नंबर वाली जो यूज़ करनी है, बैक साइड पे बना भी हुआ है। तो जिसका सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ फर्दर इसके जो है फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। HDR10+ है, हाई डायनेमिक रेंज बोलते हैं, डोल बाय डिजिटल प्लस जो है वो इसमें ऑप्शन मौजूद है। DVT डिश ट्यूनर जो है वो दिया हुआ है, T2 सॉफ्टवेयर रेडी के नाम से जो इसमें फिर वो डिश ट्यूनर भी बिल्ट इन मौजूद है, Q70T में भी था। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड है जी, लाइक अगर आपके रूम में शोर वगैरह है तो ये उसको खुद जो है ऑब्जेक्ट को जो है ट्रैक करता है और आपके जो डायलॉग्स हैं उनका साउंड बढ़ा देता है। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड बोलते हैं इसको, काफ़ी अच्छा साउंड है। साउंड आउटपुट की बात कर लें तो 2 चैनल्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं और 10 वॉट्स के स्पीकर्स हैं इसमें। तो ये सेटअप मेरा कंप्लीट हो गया है। सेटिंग में जो अगर आप पिक्चर सेटिंग है तो वो डायनेमिक पे मैक्सिमम पे है। फिर इसमें जो है फिल्म मेकर मोड भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, बेसिकली स्टैंडर्ड पे ही मज़ा आता है इसका। साउंड की बात कर लें तो साउंड जो है वो एम्पलीफायर पे फुल होगा। इसमें बिल्ट इन डेमो मौजूद है जी, मैं आपको वो भी जो है वो भी इसको प्ले करने का तरीका भी बता देता हूँ। आपने सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, लास्ट पे यूजेज मोड है, रिटेल मोड पे होगा इसको, होम मोड पे होगा इसको, रिटेल पे कर दें। पासवर्ड Tetra 0 4x0 पासवर्ड होगा, तो इसका बिल्ट इन डेमो प्ले हो जाएगा। तो जी इसका बिल्ट इन डेमो है। कलर स्कीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसको, लेकिन आप स्टैंडर्ड पे यूज़ करें इसको, डायनेमिक पे यूज़ ना करें, इसमें एक्स्ट्रा ब्राइट कलर आपको फील होंगे। डुअल LED लाइट्स हैं इसमें, डुअल LED लाइट पैनल बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से जो है इसकी कलर स्कीम पिक्चर डिटेल बहुत ही ज़्यादा। एक प्रॉपर गेमिंग टीवी है जी, अगर आप गेमिंग टीवी लेना चाहते हैं तो इस सीज़न का Q70 ऐसे बेस्ट टीवी नहीं मिलेगा। मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।